दोस्तों जो है सही वीडियो में है वही। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं इन्फोक्रीम टीवी। दोस्तों, टाइम ट्रैवल के बारे में आप सभी जानते ही है। टाइम ट्रैवल की घटनाओं और इंसिडेंट्स पर आधारित ढेर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब में, और बहुत हो गया आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, जो ये कहती है कि टाइम ट्रैवल संभव है, क्योंकि बिना किसी ठोस प्रूफ या सबूत के ये टाइम ट्रैवल की कहानियाँ जो है वो सिर्फ एक काल्पनिक साइंस फिक्शन स्टोरीज बनकर रह जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने इन्फोक्रीम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे यूट्यूब्स की उन वीडियोज़ पर जो टाइम ट्रैवल पर आधारित है, उसमें यह बताया जाता है कि एक इंसान जो है वो 2030 से 2019 में आया हुआ है और यहाँ पे फंस गया है, या फिर कोई इंसान 3019 से 2000 में आया हुआ है। ऐसे काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएगी, लेकिन जो इंसान टाइम ट्रैवल करके आए हैं अभी, या फिर जिस भी साल में फंस गए हैं, उनके बारे में कोई भी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन उन वीडियोस में नहीं मिलती। दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग टाइम ट्रैवल करके आए हैं 3019 या 2030 से, उन्होंने भारत के बारे में, इस सृष्टि, इस जगत के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट भविष्यवाणी दी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2030 में भारत जो है वो एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री बन चुका होगा। मोबाइल्स के जगह पे लोग चिप का यूज़ करेंगे, जो उनके ब्रेन में इंस्टॉल किया होगा। काफ़ी कुछ, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ऐसी बहुत सी वीडियोस हमें देखने को मिलती है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। ये तो सिर्फ एक हाफ इंफॉर्मेशन की तरह लगता है, क्योंकि दोस्तों जो लोग टाइम ट्रैवल करके आए हैं 2030 या 3019 से, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। जैसे कि वो लोग किस प्रकार से एक साल से दूसरे साल में आए हैं, क्या उन्होंने कोई टाइम मशीन का यूज़ किया है, किस ज़रिए वो लोग इस तरह से आए थे, और अभी इस वक्त वो लोग कहाँ हैं, क्या वो लोग वो पिछले साल में जो जिस साल से वो लोग आए थे वहाँ पर लौट चुके हैं, तो अभी इस वक्त वो लोग क्या कर रहे हैं जो टाइम ट्रैवल करके आए हैं और फंस गए हैं, खाना पानी है, आजीविका के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, और अभी इस वक्त वो लोग किस हालत में है, उसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती। दोस्तों, अगर आप पूछेंगे कि जो लोग टाइम ट्रैवल करते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी क्यों नहीं दी जाती, तो इसके जवाब में आपको काफ़ी कुछ वीडियोस में ये देखने को मिलता है कि ये जो है प्रकृति के खिलाफ है। गवर्नमेंट उन लोगों की आइडेंटिटी को स्वीकार नहीं करती जो लोग पास्ट या फ्यूचर से आए हैं, या फिर मैक्स टू मैक्स अगर वो लोग उनकी आइडेंटिटी को रिवील करते हैं तो उनका मतलब उनको खलास कर दिया जाएगा, उनकी मृत्यु कर दी जाएगी। इस प्रकार की बातें सुनने में आती है, जो मतलब एक हद तक बिलीव नहीं होता। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिना सबूत, बिना किसी ठोस प्रूफ के टाइम ट्रैवल को अभी तक मतलब मानना संभव नहीं है, और हमारी साइंस अभी इतनी भी आगे बढ़ नहीं चुकी है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो। दोस्तों, टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और एक चीज़ कहा जा सकता है कि हर वक्त, हर समय, हर पल, हर एक साल मौजूद है। जैसे कि 1800 भी प्रेजेंट है, 2000 भी प्रेजेंट है, 2019 भी प्रेजेंट है, 3000 भी प्रेजेंट है, और हर साल का हर एक महीना, हर एक दिन का एक एक घंटा, एक एक पल, हर एक समय मौजूद है, ये मैं कह सकता हूँ अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो। तो दोस्तों, आपके मन में टाइम ट्रैवल के बारे में क्या ख्याल है वो आप कमेंट में ज़रूर लीव कीजिए। तो दोस्तों, अभी तक आपने इन्फोक्रीम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।